हेलो फ्रेंड्स, फिर आपका फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ गया। फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे स्मॉल एन आपको कितना कहेंगे। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डेट इक्वल टू 5। तो जब भी आपको यहाँ पे ऐसी डाटा दिया हो तो इसको हम एक्स मानते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी मानते हैं और मीन निकालते हैं। और मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इक्वल टू दिस। ये डिस्क्रीट सीरीज के बारे में आपका प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, ठीक है। अब आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने कहा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप क्या कीजिए, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को निकालिए। इन्होंने क्या कहा है आपका, देन सम ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस। व्हाट दिस मींस, आप क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस निकालिए। इसका प्रोबेबिलिटी को इसकी कैपिटल एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एज पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, ये सारी डाटा को ऐड किया जाता है, सारी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अब मीन इक्वल टू लेमडा करेंगे, फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सबका। अब प्रोबेबिलिटी निकालने पर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनाया गया। सबसे पहले मीन निकाली गई 0f, इसको एफ एक्स निकाला गया 200 है। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कैपिटल एन दैट इक्वल टू समेशन एफ आई दैट इक्वल टू 200 मीन इक्वल टू लेमडा दैट इक्वल टू एन पी दिस दैट इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। अब मैंने कहा था कि आप 0 सक्सेस निकालिए, आप 1 सक्सेस निकालिए, आप 2 सक्सेस निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी इतनी आ गई। आपसे पूछा था सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, इसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज द 200। कैपिटल एन का मतलब 200 होता है, ठीक है ना। हमेशा फिर जब भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोले तो ऐसे ही बनानी है आपको, ये इसकी प्रोबेबिलिटी से या इसकी प्रोबेबिलिटी से या इसकी प्रोबेबिलिटी से, तो ये आपको इतना आ जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा, ये सब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, दैट इज़ अ 184। तो फिटिंग तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करनी होती है आपको, मीन एज पर फ्रीक्वेंसी डाटा के बेसिस पे निकालनी है, दैट इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई दैट इक्वल टू समेशन एफ आई। और इसको सेकंड में क्या करनी है, लेमडा इक्वल टू एन पी दैट इक्वल टू समेशन एफ आई पी आई समेशन एफ आई करनी है। उसके बाद हमारी जो प्रोबेबिलिटी जो बोला गया है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इसके बाद हम इस प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते हैं। कैपिटल एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज है। अब ये फ्रीक्वेंसीज क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने कहा द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिटेड द फॉलोइंग, ये नंबर ऑफ पेजेस, नंबर जब भी होता है फ्रीक्वेंसी होता है, मैंने 0 आने का चांसेस 76 टाइम्स, 1 आने का चांसेस आपको मिस्टेक्स पर पेज, 0 पेज में 76 टाइप्स मिस्टेक आने का चांस है, 1 पेज में 74 टाइम्स, 2 पेज में 29 टाइम्स, 3 इतना में पर पेज ऐसा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे हम 0 सक्सेस का एक्सपेक्टेड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, अगर हम इसको हम क्या करेंगे एन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सक्सेस का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्या आपकी फ्रीक्वेंसी आने का चांसेस है, यहाँ पे 2 सक्सेस का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी आने का क्या चांस है। ये स्टेप्स होता है हर एक में, हम चाहे बाइनोमियल पे के बेसिस पे करें, चाहे हम पॉइजन के बेसिस पे करें, इसी तरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको ये क्वेश्चंस मैंने बनाया और ये आपको समझ बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है ना बेटा। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन एट्रीब्यूटेड टू टैक्सी ड्राइवर लोकेलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको टू एवरेज नंबर आपका क्या है, टू है, मीन्स लेमडा इक्वल टू एन पी दैट इक्वल टू मीन दैट इक्वल टू टू है। अब वेरियंस भी इसका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, मीन और वेरियंस इक्वल होता है। आउट ऑफ 500 एन इक्वल टू कितनी है, 500, एन इक्वल टू 500 टैक्सी ड्राइवर्स ऑफ द दैट एरिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर्स एट लीस्ट थ्री एक्सीडेंट इन ईयर, एट लीस्ट थ्री, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट थ्री का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 500। तो एटलीस्ट 3 के बाद 3 से लेकर 500 तक, इसका मतलब 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, ये 1 से माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास लेमडा ऑलरेडी दिया हुआ है 2, इसके बेसिस पे निकल जाएगा। देखिए कैसे बनाई गई है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेस 1 माइनस 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये वैल्यूज पुट करेंगे, अब ये वैल्यूज यहाँ पे आपको इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.3233, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने आपको 14 तक क्वेश्चंस किया, 0.3233 यहाँ पे आंसर कितनी है 14 का, ये आपको ये इतना आ गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड नंबर कितनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो 500 था, दिस 162, टेक्निकल डीप आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड नंबर आपके पास, उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर, नंबर पूछा है, तो ये तो आपको प्रोबेबिलिटी हो गई, लेकिन नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर के लिए तो आपको इतनी प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 3 सक्सेस का, लेकिन 500 में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 162 में, ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्या किया, 14 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम और क्वेश्चंस करेंगे।